चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज हम लोग आए हुए हैं कृष्णा कार श्रृंगार में और हमारे साथ है कृष्णा। तो कृष्णा, आज कौन सी गाड़ी लोगों को दिखाने वाला है भाई? ये अपने पास हम कई बार भी दिखा चुके हैं और अपनी फेवरेट गाड़ी है बलिनो सिग्मा। ठीक है, ये हमारा जो न्यू बलिनो, जो फेसलिफ्टेड बलिनो है 2022 मॉडल। ठीक है, 2022 मॉडल जो है उसमें आज आप लोगों को हम वर्किंग दिखाने वाले हैं। और गाड़ी में भाई कैसा काम किया हमने एलेक्साई को, जब हम लोगों ने किस चीज में कन्वर्ट किया? भैया एलेक्साई को मैं बोल दूं, ये टॉप मॉडल हो गया, तो टॉप मॉडल तो खैर 40,000 रुपये में नहीं बना सकते हम। ठीक है, लेकिन जितना काम 40,000 के अंदर बजट में हो सकता था, ये 40,000 के अंदर हमने काम किया, 40,000 के अंदर। और इसमें नेसेसरी जितनी भी अननेसेसरी जितनी भी आइटम्स थी, ठीक है, वो तो कवर की है, प्लस जो MGB की जो टॉप मॉडल की जो आइटम्स है वो भी कवर की है। चलो भाई, फिर एक बार चलते आ जाओ, एक बार दिखाते हैं लोगों को। दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों की जो है गाड़ी है जो यहाँ पर अभी खड़ी हुई है, और ये है हमारा बेस वेरिएंट जो आप लोगों को हम लोग अभी दिखा रहे हैं। वो आपको साइड मिरर से भी पता लग जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो इससे जो VXI आता है उसमें फोल्डेबल तो नहीं आते मिरर, लेकिन उनका मिरर पे इंडिकेटर होता है, और ये इस इंडिकेटर से पता लग जाएगा आपको सिग्मा मॉडल है। ठीक है, व्हील कवर देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में भी बताना स्टार्ट करेंगे, पहले चलते हैं फ्रंट की तरफ हम लोग। ठीक है, तो गाड़ी के सबसे पहले फ्रंट की तरफ से अगर आप लोग देखते हो बेस वेरिएंट का पता, फॉग लैंप आते हैं बेस में? नहीं भैया नहीं आते, हमने लगाया ना, ये मिंडा कंपनी का फॉग लाइट लगाया। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज अगर आप लोग कराने जा रहे हैं, ये वैल्यू फॉर मनी वाला आप लोगों का रहेगा। हेडलैम्प में कुछ अपग्रेड किया? नहीं, एक्चुअली इनका जो अभी टेस्ट है कि इनको भी हेलोजन ही मतलब प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, हाँ, कस्टमर की प्रेफर था कि हमें हेलोजन करना है। ठीक है, तो हमने फॉग लाइट और हेडलाइट को इकट्ठे ही हम मतलब उसको अपग्रेड करेंगे। अभी हमने अपग्रेड नहीं किया फिलहाल के लिए, अभी अपग्रेड में केवल फॉग लैम्प जो है वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, मतलब येलो लाइट जैसे ऊपर आता है वैसे नीचे। ठीक है, तो भाई अभी टेम्परेरी नंबर गाड़ी में, ब्रांड न्यू गाड़ी ही जो है वो आप लोगों के पास लेके आया। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है आप लोगों की व्हील कैप। जैसा मैंने बताया कंपनी से आप लोगों को R15 का टायर मिलता है, यानी कि 15 इंची में आप लोगों को रिम मिलती है। बिल्कुल, तो उसमें हमने कौन सी व्हील कैप लगाई है भाई? ये भैया प्रीगन ब्रांड का देख सकते हो व्हील कवर। जैसे हम ओरिजिनली कस्टमर को बोलते हैं कि भैया 800 रुपए का व्हील कवर है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो बोलते हैं कि भैया महंगे हैं। तो व्हील कवर भैया नीचे से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है ना, वो जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो खुल के निकलने का डर होता है। ठीक है, और वो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग चीज है कि तीन आपके व्हील कवर है, एक नहीं है। अब लेने जाओगे तो आपको एक कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो लगा रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगाओ, और अगर आपका अलॉय का टेस्ट है तो अलॉय लगाओ। अलॉय कम डिजाइन में है, प्लस हम इसकी रिम जो है ना पेंट कर देते हैं, आप देख सकते हैं अंदर से जो इसका हाँ। रिम वाला है वो पेंटेड है, और साथ ही साथ में इन्होंने टाई बेल्ट बांध दिया जिससे वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये 40,000 रुपए का आप लोगों को मैं अंडर बजट वाली जो चीज है वो दिखा रहा हूँ। बाहर से कुछ अपडेट किया कि नहीं किया? बिल्कुल, हमने पीछे इसका रेयर जो स्पॉइलर आता है। ठीक है, एक्चुअली भैया का जो टेस्ट था उन्होंने बताया था कि इनको है ना क्रोम पसंद नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक टेपिंग से रैप करा दिया है। ठीक है, लेकिन ये लगाया हमने OEM में, क्या लगाया? एक और मैं मतलब आपको MGP का दिखा दूंगा क्या हमने लगाया है। ठीक है, इसमें तो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि काम हो चुका है, उन्होंने ब्लैक टेपिंग करा लिया, लेकिन लगाया मैंने, हमने कैमरा इधर लगाया, कहाँ लगाया? और इनको जो प्लेसमेंट चाहिए थी वो बम्पर में चाहिए थी, ठीक है, इनको मैंने चेक कराया था, इनको व्यू प्रॉपर आया नहीं ऊपर। ठीक है, इसलिए उन्होंने बम्पर में लगवाया। चलो भाई, ठीक है, ये आप लोगों को बाहर से एक्सटीरियर में बस इतना ही है और कुछ भी है? एक्सटीरियर में तो भैया इतना ही है, एक मड फ्लैप से छोटा सा। ठीक है, मड फ्लैप भी आप लगवा सकते हो। ठीक है, ये मड फ्लैप है, ये आप लोगों को अलग अलग तरीके की चीजों में जो है मिल जाते हैं। हमारे साथ सूरज भी है, क्या ले भाई? बस बढ़िया। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है आप लोगों का सीट कवर का जो लुक है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है वो एक बार आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीट कवर का लुक है। कौन सा लगाया सूरज सीट कवर भाई? ये रॉयल टच है, रॉयल टच का जो है कपड़ा हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया। मैं भी आप लोगों को बकायदा बैठ के भी इसके अंदर दिखाऊंगा। ये प्लेट हमने लगाई है, भैया ने कंपनी से लगाई है। ये कंपनी से लगाई है भाई। ठीक है भाई, कंपनी से लगाई है। इसका जो आप लोगों का डोर पैड का पूरा लुक है वो आप लोग देख सकते हैं। ये भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बट जब कस्टमर की चॉइस होगी उसके हिसाब से ही काम करते हैं हम भैया। ठीक है, जैसा आप लोगों का बजट रहेगा वैसे वर्किंग आप लोगों को होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने जो एक वर्किंग करी है वो है फ्लोरिंग। ठीक है भाई, ये आप लोगों की इंपोर्टेड वाली है, इंडियन है? इंपोर्टेड फ्लोरिंग। ठीक है भाई, ये फ्लोरिंग है, और जो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मतलब आपका वैल्यू फॉर मनी चीज है। वैल्यू फॉर मनी मतलब मेड इन इंडियन ही है, लेकिन ये वाटर प्रूफ है। इसके अंदर एक नॉन वाटर प्रूफ भी आता है। ठीक है, बट ये वाटर प्रूफ है। और ये जो मैट है ये भैया ने नेक्सा से डलवाया, एक भैया का कंपनी फिटेड है। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग डलवा सकते हो। ठीक है, जब आप लोगों के सीट के बाद आप लोग बकेट फिट कराते हो तो किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी। बकेट फिट के बाद ऐसी कुछ फिनिशिंग आती है अगर आप बकेट फिट नहीं कराते हो। एक चीज आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कस्टमर्स का, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का आएगा रिप्लाई कि ये रिंकल है। ठीक है, रिंकल नहीं है, बलिनो गाड़ी जो नवंबर 2022 फेसलिफ्ट आया ना। ठीक है, उसमें सीट का मॉडिफिकेशन आया है कि यहाँ पर भी तार दी गई है, यहाँ पर भी एक बकेट की तार है, यहाँ पर तो है ही है। ठीक है, स्ट्रेच हो रखा है वो।
नहीं, लेकिन ये ओवर द टाइम अपने आप ही जो है अपनी पकड़ बना लेता है भाई। बाकी ये 98% की तुम बोलते हैं कि भैया फर्स्ट डे से आपको रिंकल नहीं आएगा रॉयल टच के अंदर, बाकी जो 1-2% आता है वो बैठने के बाद चला जाता है। परफेक्ट है भाई, ठीक है। आप लोगों का एक बार स्टेयरिंग के बारे में पहले मैं बताता हूँ लोगों को, ठीक है। ये स्टेयरिंग जो है हमने कलर कॉम्बिनेशन इसमें, ये कौन सा कलर है, ब्राउन है? हाँ, ये है ना डार्क कॉफी का टच है, डार्क कॉफी। कॉफी में भी काफी शेड होते हैं ना, जैसे एक ओरा में आता है जो लाइट कॉफी होता है, ठीक है, बिल्कुल डार्क टोन में है, ठीक है, जो मतलब दूर से आपको ब्लैक ही दिखेगा, पास जाके देखोगे तो मतलब कॉफी का टच आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है आप लोगों का आर्मरेस्ट, ये ओरिजिनल आर्मरेस्ट, ठीक है भाई। ये आपका एडजस्टेबल वाला आर्मरेस्ट है, ओईएम वाला आर्मरेस्ट है। क्या इसमें एसी वेंट भी ऑन किया कि नहीं किया? एसी वेंट ऑन नहीं हो सकता भैया, वो डमी होता है, ठीक है। अगर वो ऑन कराएंगे तो, लेकिन कई सारे लोग तो ऑन कर देते हैं, वो ऑन कर देते हैं भैया, लेकिन जैसे मैंने बात की कि हम अभी जो टारगेट कर रहे थे ना बजट, वो 40,000 कर रहे थे, ठीक है। अगर यही बजट हमारा जब 80,000 से 90,000 या लाख रुपए तक जाएगा, ठीक है, कि जिसमें हम स्पीडोमीटर भी दिखा रहे हैं, काफी चीजें और भी दिखा रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, तो हम साइड मिरर जिसमें हम दिखाएंगे तो वो चीज हम जरूर करके दिखाएंगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो है आप लोगों का एंड्रॉइड स्टीरियो। अब मैं आप लोगों को हाइपरसोनिक जो है रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जैसा कस्टमर का अपना बजट होगा उन्होंने उस तरीके से लगाया। क्या इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है? नहीं, इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं है, लेकिन ये फुल एंड्रॉइड, मतलब जैसा जो बेसिक आता है वो है, जिसमें सिर्फ आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जैसे हॉटस्पॉट देना, ठीक है, आप इसकी सारी वर्किंग देख सकते हैं। कितनी कॉन्फ़िगरेशन है भाई इसकी? ये भैया 2GB रैम है, 32GB इंटरनल है, ठीक है भाई। लेकिन मैं आप लोगों को हाइपरसोनिक रिकमेंड करता हूँ, प्लीज अगर आप लोग हमारे रिकमेंडेशन से जा रहे हो तो प्लीज आप लोग हाइपरसोनिक लो। बिल्कुल, हम भी भैया जो बजट है ना हमारे पास जो एंड्रॉइड का चालू होता है 5,000 से हो जाता है, ठीक है, और वो हाइपरसोनिक की हर रेंज है हमारे पास, तो सारी चीजें हम कस्टमर को बताते हैं जिस हिसाब से बजट सूट करता है वो हमने, हम ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर जैसे आप पैना साउंड हमसे लगवा रहे हो या एक्स वाई जेड हाइपरसोनिक लगा रहे हो, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, ठीक है, एक साल की। अगर चेंज हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टीरियो रख लूंगा आपको 10 दिन बाद आना है, एंड टू एंड आपको नया स्टीरियो दे दिया जाएगा। चलो भाई डन है भाई, ठीक है। अभी हम करोलबाग की मार्केट में अगर आवाज आए तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मौसम इधर ऐसे ही रहता है, इधर ऐसे ही रहता है, और हम बाहर इसको गाड़ी को ला नहीं सकते थे क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया था और कस्टमर को लेट भी हो रहा था, ठीक है भाई। इधर अगर आप लोग देखोगे इस फ्रेम के बारे में बात करते हो, ये हाई ग्लॉसी फ्रेम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आगे से कुछ ऐसा ही है। ट्विटर क्या दिख रहे भाई इसमें, ये भी बताओ जरा। ये भैया ट्विटर है, ये पाइनियर के हमने आगे कॉम्पोनेंट लगाया है, पीछे क्वेक्सल लगाया है, ठीक है, जिसमें हम काफी दिन से ये चीज दिखाई, इसमें एम्पलीफायर लगाया नहीं, वही बता, प्लग इन प्ले है, प्लग इन प्ले है, और प्लस अगर जब एम्पलीफायर हम लगाते हैं यूजुअली तब है जब जैसे हमें बूफर ऐड करना हो या चारों सेट कंपोनेंट ही लगाने हो, ठीक है, यूजुअली एम्पलीफायर हम लगाते। मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुना दूंगा, उससे पहले हम लोग चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ में कि रियर में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे साथ कस्टमर भी है यहाँ पर, भैया आपकी गाड़ी है? जी जी, एक बार नाम बता दीजिए सर। सूरज, सूरज नाम है मेरा। सूरज भाई कैसा एक्सपीरियंस है पहले तो लोगों के साथ ये शेयर करो, कैसा मतलब बढ़िया हुआ काम की नहीं हुआ? अभी तक काफी बढ़िया हुआ है, ठीक है। बाकी जो स्टेयरिंग और ये सारी चीजें हुई वो तो ऑफ कोर्स विद टाइम पता चलेगी, बट अदरवाइज बाकी सारा काम ठीक है, क्वालिटी सही है जो अभी तक यूज हुई है, अभी तक कोई इशू नहीं है। कितना टाइम लगा अभी आपको देख के? मैं यहां पे आया था एक्चुअली। कितना टाइम लगा आपको काम होने में? मैं आ गया था 11:15 के आसपास। ठीक है, 11:15 के आधे पौन घंटे पहले काम खत्म हो चुका था, तो मतलब ठीक था, सेटिस्फेक्शन है? बिल्कुल। और कितने पैसे स्पेंड करे अभी? मैंने एग्जैक्टली बोलूं तो 39,000 किया, तो वही अंडर जो 40 हमने बताया वो सही बताया, मैं ऐसा तो नहीं वीडियो में ज्यादा पैसे बढ़ा के बता रहे। अरे नहीं, ठीक है, तो भैया ने अपने मुंह से बताया। मैं मैटर थोड़ा लाना चाह रहा था कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे पास आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि भैया जो आपके वीडियो में आप प्राइसेस बताते हो वो हमें ज्यादा लगता है, ठीक है, और जब आप यहाँ शॉप पे हम आते हैं तो वो आप मतलब कि मतलब मार्केट से अच्छे प्राइस है, तो उसका भैया वो रीजन इसलिए होता है क्योंकि टाइम जितना होता है ना हम सारे आइटम कवर कर लेते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर लिस्ट नहीं दे पाते कि ये आइटम इतने का लगाया ये इतने का लगाया, ठीक है। इसमें भी हर बार यही बोलता हूँ कि एक बार शॉप पे आके ना अपना वर्किंग करा लो, पर्ची बनवाओ, पर्ची बनवा लो, कौन अच्छा रेट देगा उससे आप काम कराओ, और इस पे कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज पे आप मत जाओ, आप जो आपको फ्लैट रेट मिलेगा ना वो देखो क्या रेट मिलेगा भाई। ये वर्किंग आप लोगों को जो है भाई लोगों ने समझा दिया, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड रो की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें भैया का सामान रखा है, भैया को सामान पकड़ा देते हैं, ठीक है भाई। रियर में भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग शौकीन हैं इंटीरियर के तो आप लोग इसमें कपड़ा चेंज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फ्लोरिंग इसमें हमने करी है, मैट्स भैया ने कंपनी से डलवाया है, स्टफ प्लेट भी कंपनी से डलवाया है। ये सीट कवर वाला जो लुक है वो आप लोगों को जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। अगेन दिस वीडियो इज वैल्यू फॉर मनी, कर तो बहुत सारे लोग रहे हैं बलिनो, लेकिन अगेन वैल्यू फॉर मनी के ऊपर कितने लोग काम करते हैं वो चीज़ आप लोगों को बस एक मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है कि कितने पैसे लगा के आपको क्या फायदेमंद चीज मिलती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रियर की तरफ में। रियर का कैमरा मैंने आपको दिखाया था,
ठीक है। इस गाड़ी में पार्सल ट्रे जो है वो ओरिजिनल वाली आप लोगों को वैसे क्या बोलते हैं अवेलेबल नहीं होती। ये आफ्टर मार्केट है या कंपनी की है? कंपनी फिटेड है, एमजीपी है। ठीक है, तो इसमें इधर क्यों लगाया ये चीज होती क्योंकि है? ये आता नहीं है ना भैया बेस मॉडल में। अच्छा, तरीके से सेटिंग करने के लिए लगा तो इधर छेद करके लगा नहीं सकते हम कुछ? नहीं लगा सकते, बॉडी में कैसे छेद करेंगे? अगर बॉडी में हम छेद भी करते हैं ठीक है वो भी आपको ये भैया कंपनी से करा लेंगे। ठीक है, ये चीज वो जो लॉक आते हैं उसके प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमें वो बाहर लॉक्स मिलते नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो ट्रे हमने लगाया वो एमजीपी ओरिजिनल है। चलो भाई, ये आप लोग की पार्सल ट्रे जो है ये भी आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं, ओरिजिनल है। जो भी सामान भैया की गाड़ी से उतरा है जैसे कि आप लोगों का भैया जैसे कि स्टीरियो का, अच्छा तुमने स्टीयरिंग भी चेंज किया क्या? हाँ, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है ना। अच्छा, स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज किया। तो ये आप लोगों का पुराना वाला हब होता है वो वन एंड सेम थिंग है। अगर हम स्टीयरिंग कंट्रोल जो टॉप मॉडल वाला लगवाते हैं और स्टीयरिंग रैप करते हैं तो सेम ही हो जाता है कि टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग सेम ही होता है। ठीक है भाई, तो हमने इसमें लेकिन लगाया माउंटेड कंट्रोल सर। हाँ, माउंटेड कंट्रोल प्लस स्टीयरिंग रैप किया है ना उसको। ठीक है भाई, मैं एक बार माउंटेड कंट्रोल के बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कंट्रोल जो है वो इसमें नहीं आते? नहीं नहीं भैया, बेस वेरिएंट है ना गाड़ी, बेस खाली स्टीयरिंग होता है, बिल्कुल है, खाली आता है। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। वो जो आपने अभी निकाला था वो हब था जो इनके और पहले लगा आता है वो भी हम कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, प्लस वो फ्रेम भी दे देते हैं 7 inches का। ये जो हब लगाया ये हमने OEM लगाया, हब OEM लगाया, प्लस जब फ्यूचर में सर को कभी भी है ना स्टीरियो 7 inches का करना है अपग्रेड तो वो फ्रेम इनका काम आ जाएगा। ठीक है, वैसे करना नहीं पड़ता आप लोगों को, लेकिन एक लुक वाइज आप लोगों को समझ आ चुका है। अब सुनाते हैं इसका ऑडियो आउटपुट। नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ की चीज है, जो कि आप लोग अगर ऑप्शन वाइज देखना चाहो आप लोग देख सकते हो। अब आज के टाइम पे क्या ट्रेंड है, कई सारे लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में OEM चीजें लगाई जाए। ठीक है, तो आप लोगों का बेस मॉडल में साइड मिरर्स नहीं आते, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं होता है, तो उसका क्या तरीका है वो एक बार आप लोग देखो, खोल के दिखाओ भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों के साइड मिरर्स आते हैं स्पेशली बलिनो स्विफ्ट के ब्रेजर। ठीक है, MRP फटी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर होता। ठीक है, एक बार आप लोग साइड मिरर देख लो, सेम ब्रेजा गाड़ी जो उनसे भी गाड़ी आप लोग चूज करना चाहो उसके लिए आप लोग जो है ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऑलरेडी ये आप लोगों को ब्लैक कलर के बेस कलर में पेंटेड जो है देखने को मिलता है। रैप क्या कुछ कराने की जरूरत है? तो करा लो, लेकिन ब्लैक काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि बलिनो में जो कलर आजकल आ रहे हैं भैया, व्हाइट, नेक्सा ब्लू जो मेरा कलर है, और एक अभी डार्क ग्रे हमने देखा, और एक जो सिल्वर आता है सिल्वर कलर का, वो ऑप्शन अच्छा लगता है। तो ये आपका OEM है जिसके लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को पार्सल ट्रे दिखाई थी, सेम पार्सल ट्रे यहाँ पर भी रखी हुई है। ठीक है, ये भी MGP ओरिजिनली आती है, आफ्टर मार्केट में लक्कड़ वाली आती है जिसमें दो छेद करके फट्टे लगाए जाते हैं, वो मत लगवाना, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। जो मैंने गाड़ी में पीछे वो दिखाया था ना क्रोम, ठीक है, जो क्रोम का पार्ट होता है, एक बार खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस क्रोम के पार्ट के लिए कई सारे लोग पूछते हैं कि भैया इसको क्या करा सकते हो। भैया ने मैट करवा लिया था, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको क्रोम रख सकते हो। और ये प्रोडक्ट जो है ये आपका मारुति में नहीं आता, ये आपका नेक्सा में आता है, ये नेक्सा एक्सेसरी में आता है। खोलो भाई इसको, ये आप लोगों की OEM नेक्सा की एसेसरी है जो आप लोगों को ओरिजिनल मिलती है। कई बार लोग कहते हैं कंपनी में अवेलेबल नहीं है, कंपनी में इसलिए अवेलेबल नहीं होती क्योंकि सब चीजें ये लोग खरीद लेते हैं, तो इसलिए आप लोगों को नहीं मिलती है। और मेन मैं आपको है ना बेस्ट चीज ये प्रोवाइड करता हूँ, जितनी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है अभी, ठीक है, वो मैंने आइटम मंगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो ही मिल जाए, एक दिन पहले बता देना, दो दिन पहले मुझे बता दो तो मैं मंगवा अवेलेबल करा देगा। डन है भाई, आप लोगों का जो ओरिजिनल वाला आर्मरेस्ट आता है, ठीक है, एक्चुअली बलिनो का जो आर्मरेस्ट आता है वो चार पार्ट में आता है। ठीक है, लोगों को काफी लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि भैया पीछे आप उसका कंपनी से लगवा लेना, लेकिन अगर आप कहीं से भी परचेज कर रहे हो ना, ठीक है, तो चार पार्ट में पूरा लो, जिसमें मैं पार्ट बता देता हूँ। एक तो आर्मरेस्ट हो गया, एक पीछे का AC वेंट का जो डमी होता है, एक उसके नीचे कवर लगता है जिसमें USB वाला पार्ट होता है। ठीक है, प्लस एक आगे वाला जो अभी हमने सबसे पहले निकाला था। ठीक है, ये वाला पार्ट,
और सब पे भी आप देखोगे ना तो प्राइसिंग का वो चिट लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा भैया कि एक्स वाई जेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको, लेकिन जब प्राइसिंग ही नहीं है तो उसको डिस्काउंट का कैसे हम बता सकते हैं किसी को। तो फ्लैट रेट आप आगे ले लो मेरे से, जो मैं बेस्ट दे दूंगा। चलो भाई डन हो गया, आप लोगों को ये सब चीजें बचा चुकी है। ये गाड़ी हम लोगों ने 39,000 के अंदर करी थी, 40,000 रुपए में, प्लस इतना काम है ना 30 में भी हो जाएगा 30,000। क्वालिटी का फर्क होगा। कुछ आइटम्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी जैसे सीट कवर सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम हो गया, फॉग लाइट्स हो गई, इतना काम उसमें भी हो जाएगा आराम से। ठीक है भाई, तो ये सारा काम हुआ है कृष्णा कार श्रृंगार में, और ये आप लोगों का जो है पूरे एसेसरी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और क्या बोल रहे हो बताओ? नहीं मैं आपको सुन रहा था क्या बोल रहे हैं। प्लस एक चीज ऐड कर दूंगा कि सीट कवर्स तो हम काफी फैक्ट्री हमने काफी दिखाई हुई है पिछले 4-5 साल से, हम अपनी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। जैसे हमने मारुति का जैसे हम सामान लाए हैं, महिंद्रा का भी दिखाएंगे। काफी गाड़ियों को हमने टारगेट लिया हुआ है कि हमारी प्रोजेक्ट कार्स हैं, भाई भी इसमें इंटरेस्टेड थे, तो हम धीरे धीरे करके आपको काफी सामान दिखाएंगे कि हम क्या OEM कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जैसे आप हमें सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट करते रहो, कोशिश है कि आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे यहाँ से। तो भाई के नंबर है, आप लोग मार्केट ट्राई कर सकते हैं, पूरी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, करोल मार्केट है भैया। 250 पहले तो 150-200 थी, तो 250 के ऊपर दुकानें हो गई है, बहुत सारी दुकानें, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग इनके पास आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप स्कूटी से पहले आके टू व्हीलर से आके रेट भी लेना है तो वो भी रेट आके ले लो कि आपको गाड़ी लाने में। ठीक है, बाकी नंबर फ्लैश हो रहे हैं भाई के, सूरज भाई, आप लोग एक बार चेक करना नंबर पे, आप बात कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम Musafir7811, फेसबुक Musafir Cars, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।